पारा शिक्षक और मोराबादी मैदान के बीच घनिष्ठ संबंध है। जब भी पारा शिक्षकों ने राज्यव्यापी आंदोलन का बिगुल फूका है, उसमें मोराबादी मैदान गवाह बनी है। एक बार फिर राज्य के पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि मोराबादी मैदान में जुटे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा के नेता संजय दुबे ने कहा कि राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान सरकार ने 90 दिनों के अंदर स्थायीकरण समेत अन्य विषयों के समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन आधे से ज्यादा समय गुजर चुका है, अब सरकार का रुख साफ नहीं है, लिहाजा पारा शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षकों की सेवा समाप्त किया जाए, कोई डीएलएड फेल कर गए हैं तो पास समाप्त कीजिए, इनको प्रखंड शिक्षा समिति से अनुमोदन नहीं मिला सेवा समाप्त कीजिए, या वो ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो उनकी सेवा समाप्त कीजिए। ये जिम्मेवारी किसकी है, हमारे पारा शिक्षक का है कि सरकार की है? सरकार अगर एक भी पारा शिक्षकों का मानदेय रोकने का काम किया, सेवा समाप्त करने का काम किया, तो कल 1 तारीख से राज्य के तमाम विद्यालय में ज्ञान सेतु और बायोमेट्रिक का विरोध होगा। सेवा स्थायीकरण और वेतनमान के मुद्दे को लेकर राज्य भर के पारा शिक्षकों ने 16 नवंबर 2018 से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया था, जो करीब 2 महीने चला। सरकार ने 90 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की नियमावली समेत अन्य विषयों को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही थी। पारा शिक्षकों का आरोप है कि अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं, पारा शिक्षकों को पिछले 4 महीने से मानदेय तक नहीं मिला है। शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है। आप जा करके सुदूर इलाकों में देखेंगे तो कितने लोग ऐसे भुखमरी से मर रहे हैं, बच्चों के इलाज के अभाव में मर रहे हैं, माँ बाप के इलाज के अभाव में मर रहे हैं। ये सिर्फ राज्य सरकार के गलत नीति के कारण पारा शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है। पारा शिक्षकों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि परियोजना निदेशक आए दिन पत्र जारी कर शिक्षकों का भयादोहन कर रहे हैं। पारा शिक्षकों को हटाने को लेकर भी परियोजना निदेशक आए दिन पत्र जारी कर रहे हैं। यही ऐसी स्थिति रही तो राज्य भर के पारा शिक्षक एक और आंदोलन करने को बेबस होंगे। राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्य भर के पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं। इन पारा शिक्षकों को पिछले 4 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इन पारा शिक्षकों के साथ सरकार ने जो समझौता किया था उसे भी अब तक धरातल पर नहीं उतारा गया है। कैमरामैन संजय गोप के साथ शहनवाज, न्यूज 11 रांची।